तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है यार कि डोमेन फंक्शंस की कैसे निकलती है। अगर आप लोगों को कोई फंक्शन दिया जाए तो आप लोग उसकी जो डोमेन है वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो का जो टारगेट है वो यही है कि आप लोगों का जो डोमेन का कन्फ्यूज़न है वो मैं बिल्कुल दूर कर दूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डोमेन में कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो गाइस, बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना यार, बिकॉज आप लोग लाइक करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर करे गाइस लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइस, डोमेन ऑफ फंक्शंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो डोमेन सीखने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप मान सकते हो कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप लोग अपने माइंड में रखेंगे तो डोमेन निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं पॉइंट्स एक एक करके, इन पॉइंट्स को स्पेशल ध्यान रखना तो डोमेन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पहला पॉइंट है वो है, वो ये है कि अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस। यानी कि आप लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े होंगे। जिन बच्चों ने मुझसे ही फंक्शंस पढ़ा है मेरे चैनल पर, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करवाए थे विद देयर डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो आप लोगों को वो सारे फंक्शंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उनकी डोमेन कैसे आई, रेंज कैसे आई, वो भी हमने डिस्कस करा था हमारी वीडियोस में, वो भी क्लियर होना चाहिए। और ग्राफ कैसे बना वो भी क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज़ डोमेन सीखने के लिए आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्लियर होने चाहिए, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है थ्रू आउट डोमेन निकालते हुए, वो ये है कि डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर होता है गाइस, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। यानी कि अगर आप लोगों का कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि क्या हो रहा है कि आप लोगों का कोई फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, और कुछ इस तरह की फॉर्म है, डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन आ रहा है एक्स का, तो आप लोगों को क्लियरली उस चीज़ को कैसे देखना है, उसको आप ऐसे देखेंगे कि एफ एक्स शुड बी नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो, और इस कंडीशन को सॉल्व करके जो भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उनको आप लोगों को अपनी डोमेन में से एक्सक्लूड करना है, उन वैल्यूज़ को हटाना है, बिकॉज उन वैल्यूज़ पर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि एफ एक्स नॉन ज़ीरो रखना है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना। पहली चीज़ आप लोगों को सारे ग्राफ्स क्लियर होने चाहिए। ग्राफ्स क्लियर होने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्म में, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन है तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और उसको ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आप लोगों को हटाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि एनीथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट, एनीथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के पास कोई स्क्वायर रूट है और उसके अंदर कुछ भी हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, तो इससे हमें इंटरप्रेट करना है डोमेन निकालने के लिए कि जो एफ एक्स है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना पड़ेगा अगर एफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है। और ये कंडीशन को सॉल्व करके जब आप लोग एक्स की वैल्यूज़ का इंटरवल बनाएंगे, बिकॉज इनइक्वालिटीज़ आपने पढ़ी ही होंगी, अगर ट्वेल्थ के बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो क्लास 12, क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक चैप्टर आता है,
उसमें सिखाई जाती है इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है, तो वो आप देखकर इसको कर सकते हैं। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा कि इनइक्वालिटीज अगर आपको नहीं आती है तो टेंशन मत लो यार, लीनियर इनइक्वालिटीज एक चैप्टर आएगा उसमें आपको सिखाया जाएगा कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग सीख लेना। बिकॉज जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हाफ ईयरली में भी एटलीस्ट हाफ बुक का होने वाला है और उसमें दोनों कवर होंगे, फंक्शंस भी और लीनियर इनइक्वालिटीज भी, तो आप लोगों का पोर्शन ये छूटेगा नहीं। वैसे मैं भी करवाऊंगा चैनल पर, आप लोगों को चैनल पर भी इसकी वीडियो जल्दी ही मिल जाएंगी। तो गाइस आई होप आपको ये तीन बातें क्लियर हुई, क्या क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है यार, अगर मैं आपसे कहूँ इस तरह की सिचुएशन हो 1/√fx, तो इससे आप लोगों को क्या क्या इंटरप्रेट करना है, इससे आपको इंटरप्रेट करना है कि fx ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर इक्वल्स टू क्यों हट गया, बिकॉज देखो ये डिनोमिनेटर में भी आ गया और जीरो के इक्वल तो मैं ले ही नहीं सकता, तो ये बात का ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट बार डिनोमिन सीखते हुए और उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जो लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन है, यानी कि अगर कोई दो फंक्शन एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन में है या फिर मल्टीप्लीकेशन में है या फिर डिवीजन में हो, कुछ भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन हो प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में, तो जो डोमेन आती है उस पूरे फंक्शन की वो क्या होती है कि अलग अलग जो जो फंक्शंस हैं उनकी आप इंडिविजुअली डोमेन निकालें और उनकी डोमेन का जब आप इंटरसेक्शन ले लें, जो भी उन दोनों की डोमेन के सेट हैं उन दोनों सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन ले लें, तो जो आने वाला इंटरवल होगा, जो x की वैल्यूज होंगी आने वाली, वही होगी डोमेन ऑफ दैट एंटायर फंक्शन, ठीक है। अगर दो फंक्शंस किसी भी तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो दोनों फंक्शंस की अलग अलग डोमेन निकालो, उन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लो, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ दैट एंटायर फंक्शन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस गाइस, ठीक है, आप लोग इन ट्रिक्स को नोट कर लो, जो कुछ मैंने बोला है वो नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आप लोगों को 11th क्लास में पूछे जाएंगे और 12th क्लास में डोमेन जहां जहां आएगा वहां वहां पर आप लोग ऐसे ऐसे अप्रोच कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखो और सीखने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, अच्छा हम इन सब क्वेश्चंस में क्या निकालेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को कुछ इस तरह का सिनेरियो गिवन है, x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, हमें निकालनी है इसकी डोमेन। तो पहली बात हमने क्या सीखी थी, पहली बात हम लोगों ने सीखी थी कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस केस में डिनोमिनेटर क्या है, इस केस में डिनोमिनेटर है x माइनस वन। सो फॉर डोमेन मैं कह सकता हूँ, फॉर डोमेन क्या x माइनस वन शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया x शुड बी नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये समझ आया। ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कंडीशन आई है। क्या इस कंडीशन को छोड़कर x की किसी भी वैल्यू पर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन क्या है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, रियल नंबर्स होती है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में सिखाया था, इसलिए कहा था इंपॉर्टेंट ग्राफ्स याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। न्यूमरेटर की क्या है, रियल नंबर्स, डिनोमिनेटर भी क्या है, रियल नंबर्स, लेकिन एक इसको डिनोमिनेटर की होने की वजह से इस पर्टिकुलर नंबर को एक्सक्लूड करना पड़ा, रियल नंबर, रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन अगेन रियल नंबर। तो जो डोमेन होने वाली है वो होने वाली है कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स में बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों को जो वन वैल्यू है x की वो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी और ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन का आंसर। सो गाइस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से चलना है, इसको डोमेन मत लिखाना, डोमेन तो पूरी होगी यार, बिकॉज इसमें तो सारी एक्स की वैल्यूज आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बिल्ड करने की कोशिश करता हूं डोमेन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है गाइस, सो सिमिलर रूप से मूव करेंगे। ठीक है, डोमेन निकालनी है। सबसे पहले क्लियरली क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर में है। ये क्या x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x माइनस वन भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और x वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक तो भाई ये कंडीशन आ गई, ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए हमारे डोमेन में। अब आ जाओ फंक्शन पर। क्या न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ है। पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, सॉरी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, उसकी भी होती है रियल नंबर्स, लेकिन x क्या है 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी गाइज, सारे रियल नंबर्स हम लेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, लेकिन 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को कहीं पर भी, अगर आपके पास रेशनल फंक्शंस आ रहे हैं इस तरह के। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता, अगर होता एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो कुछ भी चेंज ना आता, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉन इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू टू। ठीक है, और x नॉट इक्वल्स टू टू, तो इस बार x की दो वैल्यूज आ गई, तो जो हमारी डोमेन होती वो डोमेन क्या होती यार, हमारी डोमेन होती कि जो x की वैल्यूज होती वो सारे रियल नंबर्स आते, लेकिन उसमें से हमें 2 और 3 को हटाना पड़ता बिकॉज इन पर्टिकुलर वैल्यूज को जब आप डिनोमिनेटर में डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। और आपका टारगेट ये है कि किसी भी फॉर्म में फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। तीसरी चीज़ हम लोगों को देखनी है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, तो इसको आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको स्क्वायर रूट कोई आता है तो स्क्वायर रूट के केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंदर का जो भी फंक्शन है, यानी कि जो x माइनस वन है, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि जो x हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो जाएगा। सो जो डोमेन हमारी आने वाली है, डोमेन इस फंक्शन की क्या आने वाली है गाइस, डोमेन आने वाली है कि जो x है वो 1 या उससे बड़ा, तो 1 इंक्लूड कर मैं क्या इसको इन्फिनिटी तक लिख सकता हूँ और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों के सामने एक और फंक्शन को ही लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को ही लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ओके, एंड यहाँ पर माइनस, कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या करना है, माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जब ये माइनस आप कंपनसेट करेंगे तो ये माइनस की वजह से क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब इस तरह की इनइक्वालिटी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 5 या 6 पता नहीं क्या है, क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है कि जो x है वो 1 और 3 के बीच में होना चाहिए और यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर है तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, अंदर वाले पोर्शन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के इक्वल रखेंगे और जो कुछ भी इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है उसको अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सॉल्व कर देंगे और आप लोग जो भी एक्स की वैल्यूज का सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वो क्या, अगर आपको दिया जाए एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, अगर आप लोगों को इस तरह का सिनेरियो दिया जाए तो
क्या करेंगे आप लोग? पहली बात तो देखो, रूट में के अंदर कुछ फंक्शन है, तो पहली कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इस साइन का पता क्या मतलब होता है? दिस फंक्शन x माइनस थ्री शुड बी इधर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जीरो के इक्वल हो या फिर ये जीरो से बड़ा हो। लेकिन अगर आप अब आप लोग ध्यान दें कि क्या ये पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर x 3 के इक्वल हो जाए या फिर x माइनस थ्री जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में इक्वलिटी का साइन हट जाता है, इसलिए मैं सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिखूंगा जब स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में आ जाए। तो क्या x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा इस केस में? और जो इस केस में आपकी डोमेन आती है वो क्या आती है गाइज, कि x बिलोंग्स टू 3 नॉट इंक्लूडेड से लेकर इन्फिनिटी तक जितना भी पोर्शन आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का सिनेरियो मिले, किस तरह का सिनेरियो मिले, साइन ऑफ, चलो साइन रहने दो अभी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक से मैं डील नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा अपने चैप्टर पर, तभी डील पढ़ूंगा, नहीं तो आप लोगों को मेरी बातें कुछ शायद ना समझ आए, बिकॉज वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होगी अंडरस्टैंडिंग वाइज। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने अंडर रूट्स देख लिए। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कुछ इस तरह का सिनेरियो, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री और ये क्या है, क्यूब रूट। अगर ये क्यूब रूट है तो मुझको बताओ कि क्या होनी चाहिए इसकी डोमेन। ध्यान रखना है गाइज, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला फंडा है ये सिर्फ आपको स्क्वायर रूट्स एंड इवन पार्ट्स ऑफ रूट में देखना है, बिकॉज क्यूब रूट के केस में जो अंदर का पार्ट है यानी कि जो अंदर का फंक्शन है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए जो क्यूब या फिर ऑड पार्ट्स होती हैं रूट्स की, उस केस में जो डोमेन क्या आती है, आपकी रियल नंबर्स। ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, अगर कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट मतलब होता है और यहाँ पर 2 होता, अगर मैं 2 लिख भी दूँ तो एक ही बात है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2, 4, 6, 8 इस तरह की पार्ट्स हैं तभी आप लोगों को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करना है अगर न्यूमरेटर में है, और अगर वो भी डिनोमिनेटर में है तो इक्वल्स टू भी हटाना है। लेकिन अगर क्यूब आ जाता है या फिर आपकी ओड पावर्स आ जाती हैं तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है अंदर वाले पोर्शन को नेगेटिव होने की, और जो आप लोगों की डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर्स। बिकॉज आप लोगों को पता है कि -4 का रूट तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं -8 का जो है क्यूब रूट लूँ, क्यूब रूट लेने का मतलब थर्ड पावर, इसको मैं -8 की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ, तो क्या ये -2 के इक्वल आ जाएगा? तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि देखो क्यूब के अंदर माइनस हो सकता है लेकिन स्क्वायर के अंदर माइनस होने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर क्यूब या कोई भी पावर हो तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, वो है गाइज fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव देता था, लेकिन क्या इसको फर्क पड़ता था कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई फर्क पड़ता था? नहीं ना। तो कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन हो उसकी डोमेन क्या आने वाली है, उसकी डोमेन आने वाली है रियल नंबर्स। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन या कोई भी फंक्शन है हमेशा रियल नंबर्स होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो हो गया तो इस केस में आप लोगों की जो डोमेन आएगी वो रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से आपको माइनस वन हटाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला सीन आ गया है और एक्स प्लस वन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए x कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मॉड्यूलस फंक्शन होने के बावजूद देखो आप लोग कि हमें एक वैल्यू छोड़नी पड़ गई है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पहले देखनी है 2-3 बातें, कहीं पर रूट तो नहीं है, कहीं पर डिनोमिनेटर में कुछ आ तो नहीं रहा है फंक्शंस। अगर कुछ आ रहा होगा
तो आप लोग उस चीज को उसी तरह से टैकल कर लेंगे। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को बात क्लियर हुई है मेरी, और किस तरह का फंक्शन हो सकता है अगर वो आप लोगों को कुछ इस तरह का फंक्शन दे दे, log x माइनस वन एंड x माइनस टू, यानी कि log x माइनस टू, x माइनस वन टू द बेस x माइनस टू। तो आप लोगों को मैंने तीन कंडीशन सिखाई थी log में, क्या कि ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और साथ में x माइनस टू भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि जो x माइनस टू है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन लिखवाई थी, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा x ग्रेटर देन प्लस 1, इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा x ग्रेटर देन 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा x नॉट इक्वल टू 3। अब जब इस तरह से ज़्यादा इंटरवल्स बन जाएं, तो जो आप लोगों की डोमेन होती है वो इन सारे इंटरवल्स का इंटरसेक्शन होती है, यानी कि ये तीनों कंडीशंस जो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी वही आपकी डोमेन कहलाएगी। अगर मैं नंबर लाइन पर आप लोगों को शो करने की कोशिश करूं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जो पहली इनइक्वालिटी है वो कह रही है कि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1 से आगे तक कुछ भी आ सकता है। जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो कह रही है 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 से आगे कुछ भी आ सकता है। और तीसरी इनइक्वालिटी जो आपकी है वो कह रही है कि दोनों ही केस में 3 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो अगर मैं इन दोनों की कॉमन पोर्शन की बात करूं, तो क्या वो सिर्फ इतना पोर्शन हो जाएगा गाइज, अगर यहां से लेके यहां तक का, बिकॉज देखो ऊपर वाला इसके अंदर कवर हो रहा है और हमें लेना है कॉमन पोर्शन। तो देखो ये दोनों जा तो इन्फिनिटी तक रहे हैं, क्या नीचे वाला सफाइस करेगा, सफिशियंट होगा इन दोनों में से कॉमन पोर्शन के लिए? तो जो फाइनल डोमेन आएगी वो आएगी कि 2 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज, लेकिन 3 जो है वो छोड़नी है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन फंक्शंस की जगह कुछ भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखनी है कंडीशंस, और ये कंडीशंस मैंने कहाँ पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे तो गाइस आप लोग डोमेन प्रैक्टिस करके सीखेंगे, बट ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स थी जो मैंने माइंड में सोची, जो इसमें आप लोग अगर सीख लें तो आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन या फिर एक्स माइनस टू। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन हो तो इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है आप लोगों को, क्या करना है आप लोगों को, दो फंक्शन अलग अलग मानने हैं और दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है। पहला फंक्शन रूट है तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल या रेशनल, तो इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है कि सारे रियल नंबर्स, बस डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमें x इक्वल टू 2 छोड़ना पड़ेगा। तो हमने x इक्वल टू 2 वैल्यू छोड़ दी और यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। पहला क्या कह रहा है, अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं, आप इंटरवल्स को इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। पहला कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ ले लो, बस 2 को छोड़ दो। और दूसरा कह रहा है कि 1 को भी इंक्लूड करो और 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ ले लो। तो अगर मैं इन दोनों के कॉमन पोर्शंस की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ ले लो, तो इससे कॉमन आ गया दोनों में। और क्योंकि ये कहता है कि 2 को मत लो, तो इसमें हम 2 को अगर छोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि जो आपकी डोमेन आ जाएगी इस केस में, जो डोमेन आ जाएगी वो क्या होगी कि 1 तो इंक्लूडेड है, x बिलोंग्स टू 1 इंक्लूडेड 1 से इन्फिनिटी, लेकिन जो 2 वैल्यू है वो आप लोगों को छोड़नी है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस क्लियर हुआ है। और कोई भी अगर फंक्शन आता है तो सिमिलर नोट पर, सिमिलर टर्म्स में आप लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखो गाइज, ये थी डोमेन की रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स। अब
जो चीज़ आपको चाहिए वो है प्रैक्टिस। तो बस अब अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को वो टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम कि रेंज कैसे निकाल सकते हैं वेरियस फंक्शंस की। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको वो वीडियोस अच्छी लग रही है। चलो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।